आज मैंने जो आपको लेसन देना है वो है इवन एंड ऑड नंबर का, जुफ्त और ताक नंबर। जुफ्त और ताक का आइडिया देने से पहले मैं आपसे ये एक सवाल है मेरा आपसे कि जो गिनती है वो किस किस को आती है। वेरी गुड, शाबाश। आप मुझे सुनाएं गिनती। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुड। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर कॉल्ड नंबर, ठीक है। 0, ये मैं ऐसा देखता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इनमें से इवन और ऑड अलग अलग करने हैं, जो और ताक अलग अलग करने हैं, तो सिंपली ये बहुत ही आसान सी बात है, इनमें जो 0 है, 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6, 8, ये जो इनसे हम 5 हैं, ये क्या कहलाएंगे? इवन। जुफ्त कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? जुफ्त, इवन कहलाएंगे। 0, 2, 4, 6, 8, और मेरे पास पीछे रह गए हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये जो है 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये क्या कहलाएंगे? ऑड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ऑड कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं कह देता हूं इवन, जिसके साथ ई आएगा, जिसके साथ मैंने ई लगाया वो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। वो जो ऑड वन है वो उस साइड पे लगा लेते हैं जिसके साथ मैं वो लगा रहा हूं। अब 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये क्या बन जाएंगे? ऑड बन जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि 0, 1, 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये सारे क्या हो जाएंगे? इवन बन जाएंगे, जुफ्त बन जाएंगे। अब मैं आपसे याद पूछता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये इवन मैंने लिखा है 0, 1, 2, 4, 6 एंड 8। अब ये हो गया इवन हो गया। अब नीचे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने सिंपली मुझे बताना है कि ये इवन है कि ऑड है, सिंपल सा है। अब मैं लिखता हूँ 12। अब जो 12 है ये इवन होगा या ऑड होगा? शाबाश, रेज योर हैंड। अब ये देखिए इसका आंसर क्या है, 2 है, तो ये क्या बनेगा? इवन बन जाएगा या ऑड बन जाएगा? एहतशाम, ये इवन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 है। अच्छा, जब 2 हिस्से हों, 3 हिस्से हों, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, सबसे अहम बात वो से सुनो, करोड़ हो, लाख हो, 1000 हो, 100 हो, आपने क्या करना है? सबसे जो आखिरी हिस्सा है वो देखना है, सबसे आखिरी जो लास्ट में आ रहा है, जो लास्ट में आ रहा है आप उसने वो देखना है। मिसाल तौर पर अब इसके आखिर में क्या है? 2 है, और होता क्या है? इवन है ना 2, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये सारा इवन बन जाएगा। अब मैं यहां पे अगर लिखूं, अब ये मैंने लिखी है रकम, ठीक है ना, ये एक ही रकम है। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो रकम है ये इवन है कि ऑड है, तो आपने क्या देखना है? सबसे जो लास्ट पे है, सबसे जो लास्ट पे आपने उसको देखना है, इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 मुझे बताए कि इवन है कि ऑड है। ये देखें क्या है, 5 ऑड है ना, 5 ऑड है, तो ये पूरी की पूरी जो रकम है ये क्या बन जाएगी? ऑड बन जाएगी। पूरी रकम क्या बन गई? ऑड। अब ये नहीं देखना आपने कि इसमें 2 भी है तो ये तो इवन है, नहीं, लास्ट वाला देखना है डिजिट कि लास्ट में क्या आता है। तो ये आपको क्लियर होगी ये बात? तो आप बच्चों को कोई अगर इसमें कोई चीज समझ ना आई हो तो
वेरी गुड, शाबाश।